खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 11 जून है और दिन है शनिवार। आज जैसा दोपहर अपडेट आपको दिया था कि बाजार सरसों का थोड़ा कल से ओल्ड डाउन है और कॉटन बाजार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। विस्तार से चर्चा करें इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। चर्चा शुरू करें सरसों की, इससे पहले एक दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल ये आया है कि सरसों का MSP क्या रहा। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरसों का समर्थन मूल्य अक्टूबर में अनाउंस होगा, वो रबी की फसल है और इस समय जो है अभी जो हाल ही में दो दिन पहले जो सरकार ने खरीफ फसलों का जो समर्थन मूल्य है वो घोषित किया है, तो सरसों का इसमें नाम नहीं है। सरसों का मूल्य बाद में आएगा। खैर, बात शुरू कर लेते हैं सरसों से। और एक आधा सवाल और था, शायद वो मेरे जहन में अभी नहीं है, आ जाएगा, मैं आपको क्लियर करूंगा। सरसों में अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि अभी डाउनफॉल चल रहा है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों का जो बाजार है वो अस्थिर हो रहा है। कहीं अर्जेंटीना में मांग घट रही है, कहीं इंडोनेशिया में पाम तेल के निर्यात को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, कहीं मलेशिया का निर्यात घट बढ़ रहा है। इन सब कारणों से बाजार थोड़ा सा ठहरता है, बाजार में थोड़ी सी बाधाएं आती है। खाद्य तेलों की मांग कम होते ही जो तिलहन का बाजार है वो भी पैरेलल ठहरता है। तो इस प्रकार से सरसों का जो मामला है वो अभी आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि ये डाउन है। कम से कम मैं पर्टिकुलर सरसों की बात करूं तो सरसों की जड़ में मंदा नहीं है। सरसों का माहौल अभी बन नहीं रहा है। सरसों का माहौल बनने में मौसम की बड़ी भूमिका रहेगी और मौसम जैसे ही बदलेगा, अभी तो बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ दिन के बाद में, हफ्ता 10 दिन के बाद में प्री मानसून शुरू होगा और उसके बाद में उत्तर भारत की मंडियों में जैसे बरसातों का सीजन शुरू हो जाएगा तो स्वतः ही सरसों की मांग में सुधार होगा, क्योंकि सरसों की तेल की खपत जो है वो बढ़ेगी। ये जो आप थोड़ा बहुत डाउनफॉल देख रहे हैं इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बार बार मैं एक बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर, इस प्लेटफार्म पर, इस पब्लिक प्लेटफार्म पर कहना चाहिए कि मैं बहुत खुल करके कह रहा हूँ कि सरसों में मंदा नहीं है। सरसों में आगे आगे तेजी आएगी, सरसों में अच्छी तेजी बनेगी, सरसों में इस साल नया भाव बनने की बड़ी पूरी संभावना है और सरसों के अंदर किसी भी तरह से मंदा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सरसों की अब तक जो फसल आई है आधी हम कह सकते हैं कि फसल आ चुकी है और वो सारी की सारी खपत हो चुकी है, कोई तेल में, रिफाइन में, आदि आदि में। लेकिन जो अभी जो टाइम पड़ा है वो लगभग 8-8.5 महीने का समय बाकी है। 25 फरवरी तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए न तो हमारे पास सरसों का दाना बचेगा, न ही सरसों कहीं से मिलेगी। सरकारी एजेंसियों के पास सरसों का दाना है नहीं, बिजाई के लिए भी सरसों में दिक्कत आ सकती है। और इतनी क्लियर बात करने के बावजूद बहुत से साथी ऐसे हैं जो सिर्फ फ़ोन करके ये बात पूछते हैं कि जी सरसों में क्या लगता है। अब बताइए कि मैं अलग से उसमें क्या जोड़ करके बता सकता हूँ। आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि सरसों के अंदर बहुत अच्छी तेजी दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ी सी शांति रखिए, मौसम में जैसे परिवर्तन होगा और उसके बाद में आप सरसों की चाल देखना, सरसों की रफ्तार कैसे बनती है। दूसरी बात यह है कि सरसों की, पहले तो मौसम आएगा मानसून का, उसके बाद त्योहारी सीजन आ रहा है, आचारी सीजन आ रहा है और उसके बाद में सर्दी का सीजन आ रहा है। इतने लंबे खपत के जो पीरियड को, इतनी अवधि को हम बिना सरसों के कैसे काम चलाएंगे ये समझना अभी हमारे लिए बड़ा कठिन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरसों की स्थिति क्या बनने वाली है। कुल मिलाकर के यदि विदेशी तेल आज महंगे हैं, सरसों के तेल से काफ़ी महंगे हैं, काफ़ी अंतर है, 10-12 रुपए किलो का भी अंतर कहीं जगह है, अगर ये अंतर शून्य पर भी आ जाता है तो भी सरसों में दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज़ अगर
सरकार ठीक कर दे, कि जो कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं कि एमआरपी को लेकर के जो बड़ी कंपनियां एमआरपी का खेल खेल रही हैं, एमआरपी कुछ और है, बाजार का भाव कुछ और है, अगर वो चीजें ठीक कर दे सरकार तो जो तेल के अंदर जो आपको महंगाई दिखती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, उससे सरसों के बाजार पर, सरसों के भाव पर कोई असर पड़ेगा ऐसी संभावना नहीं है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी कॉटन बाजार की। कॉटन बाजार में जैसा कि पिछले कई दिन से मैं निवेदन करता रहा हूं कि बड़ी तेजी की गुंजाइश अब नहीं है, बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में या वायदा बाजार के अंदर थोड़ा बहुत सुधार होता है तो उसका थोड़ा सा असर स्थानीय मंडियों में, स्थानीय बाजार में भी देखने को मिलता है, और वही हुआ है कि 12,000 से 12,500 रुपये तक का कारोबार एक बार फिर देखने को मिल रहा है नरमा के अंदर। इससे ज़्यादा का सुधार मुझे नहीं लगता है कि अब कहीं होने की गुंजाइश बची है। कई जगह से ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि कॉटन की जो क्रॉप है, कॉटन की जो नई फसल है, उसकी बिजाई बड़े पैमाने पर हो रही है। जैसे गुजरात का हमने जिक्र किया कि गुजरात में पिछले साल इस समय तक, इस अवधि तक मान लीजिए कि 30 ये आज 10 जून गई है कल, तो 10 जून तक मान लीजिए जितनी बिजाई हुई थी उसका 3 गुना अधिक हो गई है गुजरात में। लेकिन कई राज्यों से, जैसे पंजाब से एक रिपोर्ट कल ही हमने अपने दैनिक डेली बुलेटिन में प्रकाशित की है स्मार्ट इन्फो के हवाले से, कि उसमें 18% से 23% तक की गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है बिजाई में। एक सिंचाई पानी का वहां संकट रहा है, बिजली का वहां पे बड़ा भारी संकट रहा है इस कारण से, और यही स्थिति शायद राजस्थान में भी बन सकती है, क्योंकि राजस्थान में भी जो सिंचाई पानी है वो बहुत देरी से मिला है। हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हो जाए, लेकिन लास्ट ईयर का जो पिछले साल का जो आंकड़ा है, पिछले साल की जो बिजाई का लक्ष्य है उसको शायद ही हासिल किया जा सके। ठीक ठाक आंकड़े आने में कुछ समय लगेगा, जब आएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव रहा है 6,625, जयपुर 7,100, जयपुर में कोई परिवर्तन नहीं है, भरतपुर का बाजार अवश्य डाउन हुआ है। दिल्ली 6,800, कोटा 6,500, सलोनी का भाव कल वाला ही है 7,750, खैरथल 6,711, टोंक 6,980, सिरसा 6,686, दादरी 6,600, रामगंज मंडी 6,640, गंगापुर 6,660, एलनाबाद 6,526, हिसार 6,500, आदमपुर 6,540, गंगानगर 6,500, गोलूवाला 6,351 और खेरली मंडी 6,705, हिंडौन 6,802, हापुड़ 6,800, मोरेना मंडी 6,750, अलवर 6,750, ग्वालियर 6,600, बारा मंडी 6,370, बरवाला 6,550, सुमेरपुर 7,000 और रेवाड़ी मंडी, बड़ी डिमांड आती है रेवाड़ी मंडी के भाव की। रेवाड़ी मंडी में आज अधिकतम भाव रहा है 6,592 रुपये। एलनाबाद में आज नरमा बिका है 11,800 रुपये, आदमपुर में 12,200 रुपये और सिरसा में 12,400 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।